हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिन हो गया था, मैं कुछ वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, शिफ्टिंग के टाइम में कितना ज़्यादा काम रहता है, और वो भी इस टाइम में, जैसे कोरोना के टाइम में शिफ्टिंग करो तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैंने आज सोचा कि बात भी बहुत दिन से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा बात भी कर लूँगी और छोटी सी एक वीडियो भी आज बना दूँगी। बाकी हम लोग शिफ्ट तो हो गए हैं, सामान वगैरह ऐसे ही है, कुछ सेटिंग नहीं किया है अभी तक। थोड़ा धीरे धीरे आराम से करूँगी, बस खाली किचन का हल्का मैंने किया है क्योंकि खाना वगैरह बनाना है, और ऐसे पूजा का जो मेरा एरिया है वो थोड़ा ठीक कर लिया है, और बाकी सब ऐसे ही है। तो मैं आपको हल्का थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसा है। मैं सोच रही थी कि जब शिफ्टिंग का है ना, तो उसका भी एक ब्लॉग बनाऊँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि इतना काम रहता है, इसीलिए नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, फिर आपके साथ आज का एक रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि सामान वगैरह ऐसे बिखरा होकर पड़ा है ना, तो बस जो मेरे पास जो है उसमें एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी छोटा सा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने जो पूजा का एरिया है वो थोड़ा सा ठीक कर लिया है, और बाकी आप देख सकते हैं इधर उधर ऐसे बिखरा के ही पड़ा हुआ है। और किचन भी मैंने थोड़ा सेट कर लिया है क्योंकि खाना वगैरह बनाना है, पूरा नहीं किया, बस जितनी ज़रूरी चीज़ें है ऐसे ही मैंने निकाल के उसको थोड़ा सेट कर लिया है। और बाकी का क्या दिखाऊं, घर वो कुछ भी खोला नहीं है, आधा सामान तो ऐसे ही है बस। तो अभी हम तंदूरी चिकन में आज बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे सारे चिकन के पीसेस में ना ऐसे चीरा लगा लिया है इस तरह का, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम ये सारे को एक बड़ा सा कुछ जगह चाहिए उसमें हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक उसमें रख लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, और ये कटोरा दही डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है लेमन जूस, और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, ये तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून डाल दिया है। क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाला को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर भी 2 टेबलस्पून डाला है, बट यहाँ पे स्किप हो गया है, पर मैंने डाला है यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ को मिक्स कर लेंगे, और इसका कलर अगर आप थोड़ा सा ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल में चाहिए तो मैंने हल्का यहाँ पे फूड कलर डाल दिया है, और सारा चीज़ को हम मिक्स करेंगे। तो अभी मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ओवन ट्रे ले लिया है, और उस पर फॉइल डाल के अभी मैं इसको रख लूँगी। ये मैंने सारा चीज़ रख लिया है। ये देखिए, और मैंने ओवन को ना 350 डिग्री पे प्रीहीट किया था, और अभी 30 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे बेक होने के लिए। बीच में
थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कितना हुआ क्या नहीं। अब ये देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा पलटा दूंगी कि दोनों साइड से अच्छे से हो जाए करके। ये मैंने पलटा दिया अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे कर लिया ताकि उसका साइन और ऐसे थोड़ा मॉइस्चर बना रहे चिकन में। उसको फिर हम बिठा देंगे। जैसे कि मैंने 30 मिनट के लिए रखा था तो बीच में मैंने चेक किया, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने हल्का उसको डेकोरेट कर लिया, और बच्चे वगैरह खाने के लिए ना ऐसे फॉइल में मैंने रैप कर लिया है उसको, ड्रमस्टिक के पीसेस को। तो ये है, बस ये था आज का तंदूरी चिकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।